नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां भवानी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में कुंभ राशि तुला राशि वालों। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मां लक्ष्मी, मां भवानी, मां गौरी जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि है माता रानी, किसी के घर धन दौलत की बरसात हो या ना हो, लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए कोई ना तरसे। माता रानी, मेरी आपसे बस इतना ही अनुरोध है। दोस्तों, मुबारक हो, एक साथ डबल खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि अंतरिक्ष के सितारों ने और तमाम शक्तियों ने आदेश दे दिया है कि यह घटना हर हाल में आपके साथ होकर रहेगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। लेकिन कहते हैं ना, हनी को कोई नहीं टाल सकता। आपको यह तीन काम भूल से भी नहीं करना है, वरना आपको बहुत बड़ा प्रकोप सहना पड़ेगा, क्योंकि तीन ग्रहों का एक साथ महासंघ बन रहा है, जिसम की सबसे बड़ा मंगल का योग है और दूसरा राहु से मंगल के साथ और तीसरे भाव में शुक्र ग्रह है, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ मुसीबतें आ सकती हैं। वैसे फिलहाल अभी आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं वह परेशानियां माता रानी की कृपा से दूर होगी। लेकिन समय समय पर आपको कुछ विशेष सावधानियां को भारतने की जरूरत है। अगर आप उन सावधानियां पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी हरी भरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जी हां, आपका खुशहाल जीवन दुखों में बदल सकता है, इसलिए वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना और सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुना, तभी आपके जीवन में सब कुछ मंगल हो पाएगा। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे। लेकिन उससे पहले माता महालक्ष्मी जी के सभी सच्चे भक्त, जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा तीन बार लगाइएगा। दोस्तों, काल चक्र का बहुत बड़ा बदलाव, आपका बुरा समय समाप्त होगा और आपको दुख दर्द से छुटकारा मिलेगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपको जिस मौके का इंतजार था, आपको जिस समय का इंतजार था, वह समय आ चुका है। ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल चुका है, आपकी जिंदगी में हड़कंप मचेगा। जी हां दोस्तों, जिंदगी जीने का असली मजा आ जाएगा, क्योंकि यह काल चक्र का बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बहुत ही बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, खुशखबरी ऐसी होगी कि खुशी के मारे आपके अंदर फूले नहीं समाएंगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है, ग्रहों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जिसका सीधा सीधा असर आपके कुंडली पर पड़ेगा। जी हां, और जब ग्रहों में बदलाव होगा, ग्रहों में परिवर्तन होगा, तो इससे आपके जीवन बदलेगी। जी हां, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष के तीन बड़े देवता, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान महादेव जी, इन तीनों देवता मिलकर आपको गरीब से अमीर बनाएगा। जी हां, यानी कि अब रंक से राजा बनने का समय आ चुका है, बस आपको इस मौके का लाभ उठाना है। तो कैसी आपको इसका लाभ मिलेगा, किन बातों को आपको विशेष ध्यान में रखना होगा, किस तरह से कार्य करना होगा, कौन सा समय आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा समय आपके लिए अशुभ रहेगा, इन सभी के ऊपर आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव महादेव जी आज आपको जो चीज देने वाले हैं, आप उसे जिंदगी भर याद रखोगे। जी हां दोस्तों, वीडियो चुपचाप अकेले में देखना, ये राज की बात किसी को भी मत बताना, अगर गलती से भी यह बात किसी को भी पता चल गया तो आपकी वॉट लग जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहती हैं, तो आपको विशेषकर यह दो तीन बातें आपको अपने ध्यान में हमेशा रखना होगा, जो आगे इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज आपको अचानक से होगा बड़ा धन लाभ। जी हां, जिससे कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आप खुशी का ढिंढोरा सब जगह पीटने लगेंगे और लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, लोग आपको गिराने का भरसक प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन आपके ऊपर देवों के देव महादेव जी का साया है, आपको इस बात का भनक तक भी नहीं है, लेकिन आपकी रक्षा देवों के देव महादेव जी कर रहे हैं। जब तक आपके ऊपर महादेव जी का हाथ रहेगा, महादेव जी का साया रहेगा, तब तक लोग कितना भी प्रयास कर लें, आपका दुश्मन कितना भी जोर लगा ले, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, इतना बड़ा चमत्कार होगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा। जी हां, तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये समय से कौन कौन से बड़े बदलाव आपके व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, बिजनेस, लव लाइफ, स्वास्थ्य, पारिवारिक माहौल, दैनिक दिनचर्या व अन्य सभी क्षेत्रों में इसकी जानकारी मिलेगी आपको इसी वीडियो के अंदर। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी जिंदगी में होगा इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन। जी हां दोस्तों, दोस्तों एक ऐसी घटना आप सभी के जीवन काल में घटित होने वाली है जिससे कि दोस्तों एक साथ डबल खुशखबरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, जिस घटना का आपको बरसों से इंतजार था, वह घटना दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़ी वह सच्चाई बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप अपने दोनों आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। जी हां, क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर की यह बदलती चाल आप सभी के जीवन काल में ऐसे भूचाल मचाने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। कुछ रहस्यमय बात आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल ही सटीक भविष्यवाणी करेंगे। अगर आपने इन्हें नहीं देखा नहीं जाना तो जिंदगी भर पछताओगे। जी हां, क्योंकि इस तरह का मौका बाद में आपको फिर नहीं मिलेगा। जिस मौके का आपको इंतजार था वह मौका आपके पास आ चुका है। आज आप खुशी मनाने के मूड में अधिक रहेंगे, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि अपनी अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के चलते आप अपने स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। आपको अपनी डाइट और शारीरिक मेहनत सहित सभी चीजों में कमी लानी होगी। लत वाली चीजों जैसे तंबाकू, अल्कोहल और ड्रग्स से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनसे आपके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। निजी जीवन में पार्टनरशिप में काम करने की योग्यता आपको अपने प्रोफेशनल जीवन में भी बहुत काम आने वाली है। आप और आपके पार्टनर मिलजुल कर जो भी काम करेंगे, चाहे वह प्यार हो या बिजनेस, आपको खूब सफलता मिलेगी। आप दोनों को एक दूसरे की खूबियों और कमियों की बहुत अच्छी समझ है और आपकी आपस में खूब बनती है। हमेशा ऐसे ही बने रहें। आज आपको एक अच्छी नौकरी की पेशकश मिल सकती है, लेकिन आपको इस नौकरी का लाभ लेने के लिए एक अलग शहर या यहां तक कि किसी दूसरे देश में बदलाव करना पड़ सकता है। यह नौकरी की पेशकश बहुत ही आकर्षक लग सकती है, पर यह आपके परिवार के सदस्यों पर प्रभाव डालेगी, इसलिए इसे स्वीकार करने से पहले आपको विभिन्न कोणों पर विचार करने की जरूरत है। ऐसे अवसरों को पकड़ डीडीएचने की कोशिश करें जो आपको सोचने और उसे अपने तरीके से दोबारा पेश करने का मौका दें। आप इसे उत्साह के साथ कर भी पाएंगे और आपको आनंद भी आएगा। घर में कुछ बदलाव होने ही हैं। शायद आप अधिक एकाग्रता और अधिक बेहतर अवसरों के लिए किसी नई जगह जाना चाहते हैं। आप अपने जीवन की कुछ विशेष घटनाओं के कारण निराश से हो गए हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं और काम पर ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते। काम पर बेहतर तरीके से फोकस करने के लिए हर रोज सोने से पहले लिख लें कि आपने कौन से काम पूरे कर लिए हैं। यह भी लिख लें कि आपको कल कौन से काम पूरे कर लेने हैं। अपने पार्टनर की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी या आज आपको उससे कोई बहुत अच्छा उपहार मिल सकता है। अगर आप अकेले हैं तो यह उस खास आदमी को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा समय है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो आप पाएंगे कि प्यार ऐसी जगह भी पनप सकता है जहां आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपने हास्य क्षमता को जागृत करना होगा ताकि आपका कार्य क्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके, जिससे कि आप आराम से अपने कार्य को कर सके। दिन के अंत में एक गंभीर वित्तीय लाभ का मौका आपको मिल सकता है। आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लेने और बेहतर जीवन शैली की ओर मुद्दाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको काफी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ डीडीएच सकता है, लेकिन यह समय वास्तव में इतना बुरा नहीं होगा। आप हाल फिलहाल ही किसी की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को अब भी अधिक महत्व नहीं दे रहे। आप उनके बारे में सोचते हैं और अगर आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर सकें तो यह आपके लिए जिंदगी का यादगार रिश्ता बन सकता है। हालांकि आप ईमानदार और मेहनती हैं, पर आज सफलता आपकी पहुंच से दूर रह सकती है। कुछ मामूली गलतियां आपको परेशान कर सकती है। आप अपने कार्यस्थल पर किसी भी विवाद से बचे। आज का दिन निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि ये दिन अपने दोस्तों के साथ आराम करने के लिए काफी ठीक रहेगा। इसके लिए यदि संभव हो तो आप एक दिन का अवकाश भी ले सकते हैं। पिछले कुछ समय से आप आवेग के प्रभाव में आकर फैसले ले रहे हैं, लेकिन आज आपको योजना बनाकर सही ढंग से काम करने की महत्ता का पता चलेगा। इसी से आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी और आपके काम का ढंग नियोजित होता जाएगा। योजना बनाने के लिए कभी देर नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा योजना बनाकर आप सभी कामों को सही ढंग से कर भी पाएंगे। आज आपकी सेहत में कोई अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है, लेकिन अपनी जबरदस्त मानसिक शक्ति और संकल्प क्षमता के चलते आप किसी भी प्रकार की स्थिति से बखूबी निपट सकते हैं। आपको आज दिन में बहुत शारीरिक श्रम करने वाले काम करने पड़ डीडीडीएच सकते हैं, लेकिन आप आसानी से समय रहते उन्हें पूरा कर पाएंगे। आपसे किसी और को भी स्वास्थ्यकर आदतें अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। केवल दिन के अंत में अपनी मनपसंद गतिविधि के साथ मनोरंजन करना न भूलें। विरोधाभासी ग्रहों की वजह से आज आप विपरीत दिशा में जा सकते हैं। आप एक निर्णायक निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन आप काफी सतर्क हैं और किसी भी तरह का असंतुलन नहीं चाहते। इन विरोधाभासी प्रभावों के कारण आपका प्यार का जीवन काफी दिलचस्प हो जाएगा। इन सबसे आपको अपने साथी या अपने रिश्तों पर एक सबक मिलेगा, जो कि आपको भविष्य के लिए योजना बनाने में मददगार साबित होगा। आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। आज का दिन किसी भी बड़े निवेश या खरीद के लिए उपयुक्त नहीं है। आज धन के मामलों में किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, अन्यथा आपको काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ डीडीएच सकता है। फिर भी सही समय पर पर्याप्त विवेक के साथ आसानी से आप अपने धन की रक्षा कर सकते हैं। आज यात्रा के लिए न कोई योजना बनाए और न ही कोई भुगतान करें। छोटी छोटी परेशानियां और असहमतियां दिन भर सामने आती रहेंगी। आपको इन छोटी छोटी बातों की उपेक्षा कर देनी है, नहीं तो आप अपनी मानसिक शांति को नष्ट कर लेंगे। अपनी समस्याएं किसी के साथ बांटने की कोशिश करें, आपको अच्छा अनुभव होगा। एकांत की गतिविधियां आज बहुत अच्छी रहेंगी। आपको आज खुद का ही चिंतन करना है। आपके जीवन में इस समय सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आपको एक प्रकार की बेचैनी महसूस हो रही है जिसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे। इसका एकमात्र समाधान यह है कि आप खुद के बारे में शांत दिमाग से सोचें, जिससे आपको अपनी स्थितियों को बेहतर तरीके से देखने में मदद मिलेगी और आप सही समाधान खोज पाएंगे। आप आज अपच से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि वास्तविक समस्या आपके पाचन तंत्र की नहीं बल्कि उस तनाव तथा चिंता के कारण है जिससे आप जूझ रहे हैं। आयुषी ये स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। आई इसीलिए अपने भोजन को बदलने की जगह कुछ मानसिक शांति देने वाले व्यायाम आपके लिए लाभकारी होंगे। सांस वाले व्यायाम विशेष लाभ देंगे। कोई ऐसा आपके नजदीक है जिसका आकर्षण जबरदस्त है, लेकिन फिर भी आप अब भी उनके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। निराश ना हो, उनके दिल में जगह पाने की कोशिशों से ही आप उनके दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि वे ऐसा दिखाते नहीं, लेकिन प्यार पनप रहा है। आपको बहुत जल्द इसका एहसास भी हो जाएगा। अगर आप अपनी क्षमता से कार्य करने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रयासों को उदारता से पुरस्कृत किया जाएगा। तो अपने काम और जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी ओर से की गई कोई लापरवाही आपके लिए भारी पड़ी डीडी हट सकती है। हालांकि दिन मौद्रिक लाभ के लिए शुभ है। आपका पिछला निवेश आपको अच्छी आमदनी दे सकता है। इस समय आपके जीवन में पुराने संबंध और संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके ऊपर हर जगह बहुत अच्छा कार्य करने का काफी दबाव होगा, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है
कि ज्यादा दबाव आपके खुद के तय किए हुए बहुत ऊंचे मानकों के कारण है। ईमानदारी और एकाग्रता आपको बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन अपने आदर्शों और यकीन पर कायम रहें। त्वचा संबंधी छोटी छोटी तकलीफों से आप परेशान हो सकते हैं। आज खुद को थोड़ा हल्का करने की योजना बनाएं, तैलीय पदार्थों से दूर रहें, बाकी आपकी सेहत ठीक ही रहेगी। बहुत सारे पेड़ों वाली जगह पर घूमने से बचें, क्योंकि आपको कोई कीड़ा काट सकता है, इससे आपकी त्वचा पर दाने उभर जाएंगे। आज सावधानी के तौर पर एंटी एलर्जिक दवा साथ रखें, आवश्यकता पर DDDH ने पर डॉक्टर से सलाह लें। आज आपकी किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है, हालांकि मामला आगे बढ़ने में आपकी और आपके पार्टनर की कुछ अपरिपक्वता आडीढ़े आएगी। बा अपने पार्टनर के पिछले समय को लेकर असुरक्षित महसूस न करें और अपने बीच में अविश्वास की भावना न आने दें। अगर बहाव के साथ शांति से चलेंगे तो अपने पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ता बना पाएंगे। आज आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके करियर को नई गति मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको कोई पेट संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप समय रहते पूरा करेंगे। माता पिता आपके कामों में आप पूरा साथ देंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मौज मस्ती भरे पल व्यतीत करेंगे। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याएं दूर होंगी। आप कोई निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य लें। आप अपने घर की मरम्मत आदि की योजना बना सकते हैं। आपको किसी से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता बनाए रखनी होगी। कार्यक्षेत्र में लोग आपके द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करेंगे। आज का दिन आपके लिए सफलता दिलाने वाला रहेगा। आपके विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आपको किसी सरकारी योजना में धन लगाना बेहतर रहेगा। आपका कोई नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है, और आपका कोई काम यदि लंबे समय से अटका हुआ था तो आज उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को किसी परीक्षा में मनचाहे परिणाम मिलने से प्रसन्नता बनी रहेगी। आज का दिन आपके लिए निर्णय लेने की क्षमता में लाभ लेकर आएगा। कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है। आपको कोई काम पूरा होने की संभावना है। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको जीत मिलेगी। भाई बहन आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे। संतान को आप कुछ जिम्मेदारियां दे सकते हैं। जो जातक राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत है, उन्हें उनके कामों के लिए सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आपको किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप अपने कामों को लेकर मेहनत अधिक करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी खूब रुचि रहेगी। यदि आपने कहीं कोई लोन अप्लाई किया है तो इस समय वह भी आपको मिल सकता है। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। आपको किसी वाद विवाद में पड़ने से समस्या हो सकती है। आपको किसी काम को लेकर कुछ कठिनाइयां रहेंगी। आज का दिन आपके लिए जमीन जायदाद से संबंधित मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों का अच्छा धन लगा सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। जीवन साथी के साथ मिलकर आप पारिवारिक समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। आपको किसी काम को कल पर टालने से बचना होगा। किसी विपरीत परिस्थिति में भी आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने कामों को लेकर व्यस्त रहेंगे। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थी किसी काम को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, जिससे उन्हें पढ़ाई में समस्याएं आएंगी।
आपको कार्य क्षेत्र में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी गलत काम को करने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने बॉस से कोई भी वाद विवाद में पड़ने से बचाना बेहतर रहेगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होगी। व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि आपको कोई धन संबंधित मदद लेने की सोच रहे थे तो वह आपको मिल सकती है। आपको व्यवसाय की योजनाओं पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का दिन रोजगार के तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। आप अपने अनुभवों से कार्य क्षेत्र में किसी काम में आ रही समस्या को आसानी से दूर कर सकेंगे। लेन देन से संबंधित कोई मामला आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। माताजी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आज खर्च बढ़ने से आप परेशान रहेंगे। व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका अपने किसी परिवार के सदस्य से कोई लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। आपको अपनी इनकम के सोर्स ऑफ को बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको कोई जोखिम लेने से बचना होगा। परिवार में बड़े सदस्य यदि आपको कोई सुझाव दें तो आप उस पर अमल अवश्य करें। आज का दिन आपके लिए मेहनत भरा रहने वाला है। आपको आज कार्य क्षेत्र में कामों को लेकर मेहनत अधिक करनी होगी और कुछ झगड़ालू लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आपको अपने घर परिवार में सदस्यों की जरूरत पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप आज अपनी संतान की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे। आप अपने जीवन साथी से कुछ जरूरी कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। कारोबार में यदि कोई समस्या आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी तो वह दूर होती दिख रही है। आप अपने मित्रों के साथ किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी पॉलिटिक्स में पड़ने से बचना होगा। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपकी संतान को पढ़ाई लिखाई को लेकर कुछ समस्याएं आएंगी जिन्हें आपको दूर करने की कोशिश करनी होगी।